हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का पार्ट टू पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे। ये दो मेथड से करें ना आज सीखेंगे हम लोग, एक हॉरिजॉन्टल मेथड्स और दूसरा वर्टिकल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड्स को टर्म बाय टर्म मेथड्स भी कहा जाता है। तो आइए आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आप लोगों से एक बार फिर से कहेंगे कि आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और हमें कॉन्टैक्ट कर ऑनलाइन हमारे साथ ज्वाइन कीजिए और अपने क्लास का एहसास अपने घर बैठे हमारे चैनल के द्वारा लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या देखना है आज हम लोगों को? मल्टीप्लिकेशंस ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, दैट मींस डिफाइंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले इसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल मेथड्स का देखते हैं एक एग्जांपल लेकर। और हम ये देख पाते हैं कि यहाँ एक हमें एग्जांपल्स दिया गया है, x प्लस टू वाई एक पॉलिनोमियल्स है और दूसरा पॉलिनोमियल्स है 3x माइनस 4y प्लस 5। तो हॉरिजॉन्टल मेथड जो हम इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह से करते हैं, तो क्या करते हैं कि पहला जो पॉलिनोमियल्स है उसके पहले टर्म्स को और दूसरे टर्म्स को, मतलब जितने भी टर्म्स हो, टर्म बाय टर्म्स सिंगल लेकर बाकी दूसरे पॉलिनोमियल्स के हर टर्म से मल्टीप्लाइड करते हैं। इसके लिए पहले हम उसको सजा लेते हैं, सेटअप कर लेते हैं। तो ये एक्स पहला टर्म्स और पहले पॉलिनोमियल्स का और दूसरा पूरा पॉलिनोमियल्स, जो साइन उनके बीच में है वो साइंस अप्लाई करेंगे। फिर दूसरा टर्म्स 2y लिया और दूसरा पॉलिनोमियल्स ले लिया। अब हम क्या करते हैं, अब टर्म बाय टर्म्स हमको मल्टीप्लाइड करना है। इसके लिए आप ये देखिए x इंटू 3x, x इंटू 3x माइनस साइंस है तो माइनस साइन लगाएंगे और x इंटू 4y प्लस साइन, x इंटू 5, ये पहला टर्म्स का हो गया। अब अगला टर्म्स हमें लेना है वो दूसरे वाले का, तो यहाँ भी देख लीजिए 2y इंटू 3x माइनस 2i इंटू 4y प्लस 2y इंटू 5। अब इंडिविजुअली सारे टर्म्स को हम मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। जैसा कि पहले हम जान चुके हैं कि मल्टीप्लाइड करने में जो सिमिलर वेरिएबल्स है उनके पावर ऐड हो जाते हैं, कोफिशियंट न्यूमेरिकल के साथ मल्टीप्लाइड हो जाता है और अदर कोई वेरिएबल्स है तो उसके साथ वैसे ही वो आ जाता है। तो ये देखिए 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर, x1 और x1 पावर्स, दो पावर्स है, 1 + 1 2 हो गया। उसी तरह 4 इंटू एक्स वाई 4 न्यूमेरिकल्स और एक्स वाई दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है तो एक्स वाई सिंगल सिंगल्स पावर्स में है। फिर प्लस एक्स इंटू 5 तो ये 5x हो गया। अब प्लस करने के बाद दूसरा 2y इंटू 3x 6xy और उसके बाद ये 2y इंटू 4y माइनस 8y स्क्वायर और 2y इंटू 5 10y है। इसमें दोनों टर्म्स में न्यूमेरिकल्स है, सॉरी नंबर्स है,
तो उन दोनों को मल्टीप्लाइड करके और वेरिएबल उसके साथ रख दिया। इस तरह से सारे टर्म्स अलग अलग मल्टीप्लाइड हो गए। अब इनको ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं तो हमें मिलता है 3x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 5x प्लस 6xy माइनस 8y स्क्वायर प्लस 10y। अब मल्टीप्लाइड करने के बाद हम इसमें सारे टर्म्स में ये देखेंगे कौन कौन सा लाइक टर्म्स है, तो हम पाते हैं कि इसमें दो टर्म्स ऐसा है जो लाइक है और वो दोनों टर्म्स है 4xy और 6xy। तो लाइक टर्म्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपस में होता है, तो इस कंडीशंस में आप देखें कि ये माइनस 4xy है और ये प्लस 6xy है। तो जो वेरिएबल्स होता है लाइक टर्म्स के, उनके वेरिएबल्स को नहीं कुछ भी करते, वो सेम ऐसे के ऐसे आ जाते हैं। जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है उनके कोफिशियंट का करते हैं। तो यहाँ 6 प्लस में है और 4y में है, डिफरेंट साइंस है इसलिए ये माइनस हो जाएंगे। तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2xy। और बाकी टर्म्स इसमें आप देख रहे हैं कि वो सारे किसी एक दूसरे के साथ सिमिलर नहीं है, इसलिए पहले ही वीडियो में आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन केवल लाइक टर्म्स का करेंगे, डिसलाइक टर्म्स जो होगा वो ऐसे के वैसे उतर जाएगा। तो इस तरह से आपके पास मिल गया 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 5x माइनस y स्क्वायर प्लस 10y। तो ये आपका फाइनल मल्टीप्लिकेशन हो गया और यहीं इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल मेथड, जिसको टर्म बाय टर्म मेथड्स भी कहते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का पहला भाग था। अब दूसरे भाग के लिए हम ले लेते हैं वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए एक हमने उदाहरण लिया, एग्जांपल्स, हमें मल्टीप्लाइड करना है एक्स माइनस 3y को एक्स प्लस वाई के साथ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले टर्म जो पॉलिनोमियल्स है उनको लिख लिया और वर्टिकली उसके ठीक नीचे दूसरे पॉलिनोमियल्स को लिख लिया और उसमें मल्टीप्लिकेशन के साइन लगा दी। अब इसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे। तो देखिए, न्यूमेरिकल्स में जब हम लोग करते हैं तो राइट टू लेफ्ट की तरफ चलते हैं, लेकिन इसमें भी राइट टू लेफ्ट करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि गलत हो जाएगा या नहीं बन पाएगा, लेकिन इसमें लेफ्ट टू राइट अगर करते हैं तो ज़्यादा आसानी से बनेगा। इसलिए लेफ्ट टू राइट चलते हुए हम लोग पहला दोनों के पहले टर्म्स को यानी कि एक्स और एक्स को मल्टीप्लाइड करते हैं। और हॉरिजॉन्टल्स में ही आपको बता दिया गया है कि अगर दो सिमिलर वेरिएबल्स होंगे और वो प्रोडक्ट होते हैं तो उनके पावर जुड़ जाते हैं, तो इसलिए आपको मिलेगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब इसका पहला टर्म्स दूसरे वाले का और पहले वाले का दूसरा टर्म्स लेकर करेंगे यानी कि एक्स इंटू माइनस 3y। तो इसको जब मल्टीप्लाइड करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा माइनस 3xy। अब ये दोनों टर्म्स हो गया, इसके आगे भी अगर टर्म्स होता तो उन टर्म्स सारे टर्म्स को कर लेते, लेकिन यहाँ दो ही है तो दो का किया। अब जैसे न्यूमेरिकल्स में नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो राइट से एक स्टेप को छोड़ देते हैं, इसमें हम लेफ्ट से एक स्टेप को छोड़ देते हैं यानी कि एक्स स्क्वायर के नीचे हम कुछ नहीं लिखते हैं, यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब दूसरे वाले पॉलिनोमियल्स का दूसरा टर्म्स को लेकर पहले वाले पॉलिनोमियल्स के पहले टर्म से करेंगे। तो यहाँ एक एक्स है और एक वाई है, दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन इनके साथ ही रह जाएगा केवल एक्स वाई, और दोनों के पीछे प्लस लगा हुआ है इसलिए यहाँ प्लस साइंस है। हम चाहें तो यहाँ प्लस साइंस नहीं लिख सकते हैं, अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं।
ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये कंसिडर रहना चाहिए कि जिस वेरिएबल्स या नंबर्स के पीछे कोई साइन नहीं लगा रहता है, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे प्लस साइन है। ठीक है, अब दूसरे टर्म्स, दूसरा वाला पॉलिनोमियल्स और दूसरा टर्म्स पहला वाला पॉलिनोमियल्स, यहाँ वाई और वाई है और -3 भी है, तो -3 और यहाँ 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो -3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -3 होगा, और एक्स वाई जो है दोनों सिमिलर्स वेरिएबल्स हो गए तो इनके पावर ऐड हो जाएंगे, तो इनके पावर ऐड होंगे तो दोनों वाइज में पावर सिंगल सिंगल है, ऐड करेंगे तो 1 + 1 हो गया 2, यानी कि एक्स वाई -3y². अब क्या करते हैं, ये जैसे हम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और दोनों तीनों जितने भी टर्म्स आएंगे उसको जोड़ देते हैं, इसी तरह इसमें भी जो टर्म्स आए हैं उनको जोड़ेंगे। अभी दो टर्म्स का लिया गया है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, तो जितना रहेगा उतने स्टेप तक हम करेंगे। अब इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा कि एक्स है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स ही आ जाएगा, x² हो गया। और यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग साइन है और एक्स वाई सिमिलर टर्म्स है, तो इसलिए इनके कोफिशियंट जो है ऑपरेट हो जाएंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन से, तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो माइनस होगा, यहाँ पे 3 माइनस में है और प्लस में 1 है, तो 1 ऐड हो जाएगा -3 में, तो वो हो जाएगा -2 और एक्स वाई ऐसे आ जाएंगे, तो ये -3xy +xy -2xy हो गया। और ऐसा ही देखते हैं कि जो ये -3y² है वो भी सिंगल है, तो ये ऐसे आ गया। इस तरह से हमें मिला कि ये -x² -2xy -3y² हमारा रिजल्ट हो गया, और ये वर्टिकल मल्टीप्लीकेशंस रूल्स के द्वारा आया। ये भी स्टेप बाय स्टेप हॉरिजॉन्टल हो सकता है, और हॉरिजॉन्टल जो भी जो आपने बनाया वो भी वर्टिकल्स हो सकता है, यानी कि दोनों मेथड से करेंगे हमें रिजल्ट्स तो एक ही मिलने वाला है, तो दोनों में से कोई भी हम करेंगे रिजल्ट्स हमारा सेम आएगा, और ये दो मेथड्स है मल्टीप्लीकेशंस के, और ये हमारा आंसर्स हो गया। और इस वीडियो में हम केवल मल्टीप्लीकेशन जानने वाले थे, इसलिए यह यहीं पे वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, और फिर एक बार आप लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, ये तो यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करने की बात हो गई, आप हमसे कांटेक्ट करके और ऑनलाइन हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि लाइव होता है, और वहाँ आप लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमसे और उसी वक्त उसका जवाब पा सकते हैं। साथ ही साथ मेरे नॉर्मल क्लास जो चलते हैं लॉकडाउन खुलने के बाद भी वो क्लासेस लाइव होते रहेंगे, अतः आप लोगों से निवेदन है कि आप हमें ज्वाइन करके और अपने क्लास का एहसास अपने घर बैठे ऑनलाइन लाइव लीजिए। धन्यवाद।